आप स्टेट को बिना बताए ही अगर आओगे तब जो है हम गाड़ी इम्पाउंड कर लेंगे, जो भी बस उनके पकड़ में आ रही है हम उनसे जो है 5000 रुपये डेली के हिसाब से ले रहे हैं। उन बसों को तो हमने रोक दिया है, अब नहीं चलेंगे। अभी जब तक सेटलमेंट नहीं होती हिमाचल सरकार के साथ, कोई डायलॉग नहीं होता, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी ने भी जो है हमारी बसेस जो है परमिट से जाती हैं, हमारी बसेस का एक किराया निर्धारित है, हमारा कंडक्टर उसको चेंज नहीं कर सकता, हमारा ऑडिट होता है, है और हम हर तरह के कायदे कानून से बंधे हुए हैं, जो कि एक जो है HRTC के को जो है जो बंधन है। लेकिन एक व्यक्ति जो है उसके आगे पीछे जो है गाड़ी कहीं से भी चला देता है और ना कोई परमिशन लेता है, ना स्टेट का कोई टैक्स देता है। हमने उनको कहा है कि भाई अगर आप आओगे स्टेट में तो हम आपको जो है, अभी तो हमने आने से ही रोक दिया है, आने से ही रोक दिया है कि आखिर कोई किसी नीति के तहत आ सकता है। आप स्टेट को बिना बताए ही अगर आओगे तब जो है हम गाड़ी इम्पाउंड कर लेंगे, तो अभी तो हमने उनको रोका है। बाकी डायरेक्टर साहब को मॉडलिटीज़ वर्क करने के हमने निर्देश दिए हैं। और सेकेंडली आपने कहा है कि जो दूसरी बसेस दिल्ली से आती थी वो कितनी थी, अभी क्योंकि ये शुरुआत है, फर्स्ट को शुरू हुआ है और हमने अपने RTOs वगैरह MBIs वगैरह को सबको फील्ड में भेज दिया है, जो भी बस उनके पकड़ में आ रही है हम उनसे जो है 5000 रुपये डेली के हिसाब से ले रहे हैं। अब हमें धीरे धीरे हमारा डाटा बन जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये एक परंपरा सालों साल से, डिकेड से चली आ रही है कि बसें आ रही हैं वो पैसा नहीं दे रही हैं, बसें किसी कारोबार में लगी हैं वो पैसा नहीं दे रही हैं। तो इसलिए बिल्कुल कायदे कानून से काम हो, हमने सबको, हम सबको मौका दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं कि हमारे साथ डायलॉग करो, हमारे साथ बातचीत करो और हम चाहते हैं कि आप आओ, लेकिन प्रदेश स्टेट के कायदे कानून और टैक्सेस को जो है आप पे करें, तभी आपका संचालन हो सकेगा।